नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे बिंदास हरियाणा। हरियाणा की राज्यसभा सीट नया दाव खेलेगी बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट चेहरे में बंतो सुनीता दुग्गल फ्रंट रनर, किरण चौधरी बड़ा जाट चेहरा। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट पर बीजेपी महिला चेहरे पर दाव खेल सकती है। अगर भाजपा 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय संतुलन साधने निकली तो फिर ये महिला एससी वर्ग से हो सकती है। भाजपा में फिलहाल 3 महिला नेता राज्यसभा सीट की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। इनमें से 1 जाट चेहरा और 2 एससी वर्ग से हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इन चेहरों में सबसे टॉप पर बंतो कटारिया का नाम चल रहा है। बंतो कटारिया अंबाला के सांसद रहे रतनलाल कटारिया की पत्नी हैं। दूसरे नंबर पर सुनीता दुग्गल है। सुनीता सिरसा से सांसद भी रह चुकी हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस से भाजपा में आई भिवानी के तोशाम की विधायक किरण चौधरी हैं। बंतो कटारिया एससी चेहरा है। उनके पति रतनलाल कटारिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रह चुके हैं। इसी वजह से उन्हें इस लोकसभा चुनाव में अंबाला रिजर्व सीट से टिकट भी मिला। हालांकि वे कांग्रेस के विधायक वरुण मुलाना से चुनाव हार गईं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी बंतो कटारिया को राज्यसभा भेजे जाने के हक में बताए जा रहे हैं। खासकर भाजपा जिस तरह से 30 सीटों वाले जीटी रोड बेल्ट को साधने में जुटी है, उसमें इसी बेल्ट में आते जिले अंबाला की बंतो कटारिया फिट बैठती हैं। सुनीता सिरसा से सांसद थी, इसके बावजूद बीजेपी ने उनकी टिकट काटकर आप से आए पूर्व कांग्रेसी अशोक तंवर को टिकट दे दी। हालांकि वो कुमारी सैलजा के खिलाफ हार गए। हालांकि दुग्गल ने इस दौरान कोई बगावती तेवर नहीं दिखाए। सुनीता को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि उनकी दावेदारी में कुछ पैच भी है, जिनमें सिरसा फतेहाबाद एरिया से पहले ही जाट चेहरे सुभाष बराला को राज्यसभा भेजा गया है। खट्टर से भी उनके सियासी रिश्ते ठीक नहीं बताए जाते हैं। इतना ज़रूर है कि बंतो कटारिया के बजाय कोई दूसरी महिला एससी चेहरे की ज़रूरत हो तो सुनीता दुग्गल को फ़ायदा मिल सकता है। किरण पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं। उन्हें भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की। हालांकि इसके बदले उन्हें बीजेपी से अभी कुछ नहीं मिला है। ऐसे में अगर जाट महिला चेहरे को राज्यसभा भेजना हो तो किरण हो सकती हैं। हालांकि अगर किरण विधानसभा लड़ेंगी तो उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी इसकी दावेदार हैं। किरण चौधरी का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वे भिवानी एरिया से आती हैं। इस एरिए में बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई बड़ी नियुक्ति नहीं दी गई है। किरण चौधरी के जरिए भाजपा भिवानी के साथ लगते दक्षिणी हरियाणा को भी साध सकती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।